मुजफ्फरनगर सहारनपुर दिल्ली रेल मार्ग पर आज शाम से एमईएमयू ट्रेन को सुपरफास्ट बनाकर चलाया जा रहा है। यह ट्रेन आज शाम सहारनपुर से चलकर 7:57 बजे मुजफ्फरनगर पहुंची। इस ट्रेन में अन्य ट्रेनों के टिकट से ₹15 अतिरिक्त चार्ज किए जाएंगे। यह ट्रेन 3 घंटे में अपना सफर तय करेगी। जिले में कोरोना काल से 4 ट्रेन अभी बंद पड़ी हुई है। रेल यात्रियों ने इन ट्रेनों को चलाने की मांग की थी। दैनिक रेल यात्री संघ के अध्यक्ष घनश्याम भगत ने कई बार रेल मंत्रालय को पत्र भी लिखे थे। अब रेल मंत्रालय ने नई ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह नई ट्रेन आज शुक्रवार से सहारनपुर से 7:15 चलकर मुजफ्फरनगर 7:57 पर पहुंची। इसके बाद आगे का सफर तय किया। अन्य बंद पड़ी ट्रेनों को जल्द चलाने की मांग की गई है। यहां रुकेगी ट्रेन मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। यह रहेगा किराया। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर ₹50, मुजफ्फरनगर से मेरठ ₹50, मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद -65, मुजफ्फरनगर से दिल्ली -75। यह रहेगा समय। दिल्ली से चलकर मुजफ्फरनगर 11:39, सहारनपुर से चलकर मुजफ्फरनगर 7:57। योजक चिन्ह। इन्होंने कहा, यह नई ट्रेन 9 सितंबर से अपनी मंजिल का सफर शुरू करेगी। इसमें ₹15 किराया अतिरिक्त लगेगा। विपिन कुमार, रेलवे स्टेशन अधीक्षक। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर आज जैसे ही यह ट्रेन पहुंची, दैनिक रेल यात्री संघ के पदाधिकारियों ने रेल चालक सुरजीत सिंह को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया और रेल मंत्री का धन्यवाद अदा किया।